पूर्वांचल में एक दौर था जब वहां कानून नहीं बल्कि माफिया की हुकूमत चलती थी। हत्या, फिरौती, दंगा, हर साजिश का सूत्रधार था माफिया, और ये माफिया कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी था। अपराध के दम पर मुख्तार ने जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया, अपना रसूख कायम किया। लेकिन वाराणसी का अवधेश राय हत्याकांड, इस हत्याकांड ने वाराणसी को हिला कर रख दिया। माफिया एंड गैंग ने 32 साल पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और सालों बेधड़क बेखौफ कानून के शिकंजे से बचकर घूमता रहा। लेकिन अब योगी राज में मुख्तार सलाखों के पीछे है, साथ ही उसके सारे जुर्मों का हिसाब किताब जो है वो हो रहा है। इसी कड़ी में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आने वाला है सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ, जिससे जाहिर तौर पर बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले में मुख्तार को फांसी की सजा भी हो सकती है। बड़ी खबर जो माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है वो आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। मुख्तार के बहुत बड़े गुनाह पर कल जो है फैसला आने वाला है। अवधेश राय हत्याकांड में कल फैसला आएगा। 5 जून का वो दिन जब मुख्तार अंसारी के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अवधेश राय हत्याकांड में कल फैसला आना है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी। फिलहाल यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। तो वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड पर कल फैसला आएगा। 32 साल पहले वाराणसी में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की दिन दहाड़े गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर कल फैसला आना है, यानी कल का दिन बेहद अहम होने वाला है अवधेश राय हत्याकांड में। तो अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको बताते हैं, आखिरकार किस तरीके से अवधेश राय की हत्या की गई थी, और कल का दिन जो कि बेहद अहम होने वाला है, और किस तरीके से कल फैसला आएगा जिसमें पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी को लेकर कोर्ट क्या सजा सुनाती है। अब इस हत्याकांड की जरा बात कर ले, ये जरा आप समझ लीजिए कि 1991 में जो है वो 3 अगस्त 1991 अवधेश राय की वाराणसी में हत्या की जाती है। कहां पर की जाती है, वो अपने घर के बाहर खड़ा था, मौजूद था जब गोलियों से भुना गया। हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारी थी अवधेश राय को, और उस वक्त उनके भाई भी उनके साथ में वहां पर मौजूद थे। लुहरा बीर इलाके में वारदात को अंजाम दिया था। कई हथियारबंद बदमाश जो है वो पहुंचे थे और गोली चलानी जो है उन्होंने शुरू कर दी थी। घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। अवधेश राय घर के बाहर ही मौजूद थे जब ये फायरिंग हुई थी। दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई और पूरा शरीर कह रहे थे कि अवधेश राय की छलनी कर दिया था। गोलियां इतनी मारी गई थी अवधेश राय को। अब कल इसी पर जो है फैसला आना है। गोलियों से अवधेश राय को छलनी कर दिया गया था, जो हम बता रहे थे कि किस तरीके से शरीर पे उनकी गोलियां लगी थी। भाई अजय राय ने उस वक्त केस दर्ज कराया था, बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी भी है अजय राय, और इन्होंने गवाही भी कोर्ट में दे दी है। एफआईआर में मुख्तार अंसारी का नाम भी दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी इसमें एक आरोपी है। अब तो इस पर फैसला आना है, तो जाहिर सी बात है और भी लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि अवधेश राय के कितने मुजरिम हैं, यानी कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जरा ये समझिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिसका पहला नाम सामने आ रहा है और इतने साल तक बचता रहा, लेकिन कल फैसले की घड़ी है। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, ये भी इसमें आरोपी बनाए गए और इसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। कमलेश सिंह, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, और इन सब पर कल फैसला आना है। भीम सिंह राकेश, ये भी एक नाम जो इस अवधेश राय हत्याकांड में शामिल है। इन सब ने प्लानिंग की थी, इन सब की इन्वॉल्वमेंट रही है, सबके खिलाफ गवाही, तमाम जो चीजें होनी थी कोर्ट में हो चुकी हैं, और कल फैसले की घड़ी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो मुख्तार अंसारी का सामने आ रहा है कि किस तरीके से देखिए फैसला उसके खिलाफ आएगा। अब आपको बताते हैं कि धाराएं जो हैं, इन तमाम मुजरिम के नाम जो हमने आपको बताए उन पर कौन कौन सी लगाई गई हैं। धारा 302 जो कि हत्या की धारा है, इसे लगाया गया है जो तमाम मुजरिम हैं उनके ऊपर। धारा 147 हत्या की धारा, अवधेश राय की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, तो इस ये धारा भी जो है
इन आरोपियों के ऊपर लगाई गई है। धारा 148 घातक हथियार से बलवा, इससे समझिए कि घातक हथियार लेकर पहुंचे थे, किस तरीके से यहां उपद्रव मचाया गया था, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा वाराणसी कहते गूंज उठा था। धारा 149 गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, कई हथियारबंद जो लोग हैं वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने जो है कि गोलियां बरसाई थी और अवधेश राय की हत्या की थी। हमारे सहयोगी आशुतोष इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, लंबी कानूनी प्रक्रिया से ये जो केस है गुजरा है, 1991 का मामला, लेकिन कल फैसले की घड़ी, अभी तक की बात करें तो दर्शकों को जरा समझाइए कि कैसे अप एंड डाउन इस पूरे केस में आए और कल मुख्तार के लिए जो दिन है वो काला साबित हो सकता है। देखिए निश्चित तौर पे श्वेता, कल का जो दिन होगा मुख्तार अंसारी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत भारी पड़ने वाला भी है। कहा यह जा रहा है कि अवधेश राय हत्याकांड, जिसे 32 साल पहले मुख्तार अंसारी और उसके कुल 5 साथियों ने अंजाम दिया था, उस केस में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट अपनी सजा सुनाएगी। अब देखना यह होगा कि सजा क्या मुख्तार अंसारी के खिलाफ जाती है या फिर उसके पक्ष में जाता है। अब ये सब कुछ उसका जो फैसला होगा वो कोर्ट का देखना होगा। लेकिन 32 साल पहले वाराणसी के छेदगंज इलाके में मुख्तार अंसारी और उसके कुल 5 साथियों ने अवधेश राय, जो कि उस वक्त के बड़े कारोबारी थे, एक बड़े नेता के तौर पे उनकी धीरे धीरे पहचान बनती जा रही थी, और मुख्तार अंसारी और उसके 5 साथियों ने सरे राह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जिस वक्त हत्या की गई थी उसी दौरान उनके जो छोटे भाई अजय राय हैं वो भी मौजूद थे। लौराबीर का इलाका था, भीड़ भाड़ वाला इलाका था। बावजूद इसके जो मुख्तार अंसारी अपने साथियों के साथ एक मारुति वैन से वहां पर पहुंचता है और उसके बाद कार से उतरते ही आपको रोकना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वकील विकास सिंह जुड़ चुके हैं जो कि अवधेश राय हत्याकांड में वकील हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी जो अभी सवाल मैं अपने सहयोगी आशुतोष से कर रही थी, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया सर और कल फैसले की घड़ी, जरा दर्शकों को समझाएं किस तरीके से यह कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी और कल जब फैसले की घड़ी है तो आपको क्या उम्मीद है? जी जी, सर्वप्रथम आप सभी को मैं यह अवगत करा देना चाहता हूं कि यह घटना है क्या। यह लगभग 32 वर्ष पुराना मामला था। लौराबीर क्षेत्र में 3 अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय जी के बड़े भाई अवधेश राय जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर मृतक के बड़े भाई विधायक अजय राय जी ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक, कमलेश सिंह व भीम सिंह के खिलाफ छेदगंज थाना अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। लगभग 32 साल पुराने इस मामले में 12 गवाहों को अदालत में बयान दर्ज किया गया, जिसके बाद कई दिनों तक इस मामले में बहस भी चली। बाद में इस मामले में वादी पक्ष की ओर से 36 पेज की, बचाव पक्ष की ओर से 41 पेज की लिखित बहस दाखिल की गई, जिसके बाद अदालत ने इस मामले को निर्णय के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली। और आज मामले में जो स्थिति बनी हुई है वो कल निर्णायक स्थिति होगी, जिसे हमें और आपको स्वीकार करना होगा। विकास जी, आप बताएं क्या इस मामले में आप विस्तृत जानकारी जानना चाहती हैं, मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। जी जी विकास जी, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि 12 गवाह हैं जिनके बयान दर्ज किए गए, कोर्ट में भी उन्होंने गवाही दी है, उसके बाद दोनों तरफ से जिरह हुई होगी, लेकिन कल क्योंकि फैसले की घड़ी है विकास जी, अभी तक जो जिरह हुई, जो गवाहों ने गवाही दी, उस पर बेस्ड अगर मैं बात करूं तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह की सजा जो है इनको सुनाई जाएगी, और खासकर अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, 12 गवाहों की बात करें तो जिसमें 6 गवाह हैं वो बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों को मिला करके हैं 6-6 गवाह। और जहां तक कानूनी प्रक्रियाओं की बात की जाए, जितने भी अभियोजन की तरफ से गवाह इसमें परीक्षित किए गए हैं, उससे तो यही लगता है कि कल का जो निर्णय होगा वो मुख्तार अंसारी जी इसमें सजा होगी। बाकी अब माननीय न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय क्या आदेश देता है उसे हम और आप स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल, तो कल जब न्यायालय का आदेश आएगा उस वक्त भी टाइम्स नाउ नवभारत दिखाएगा कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्तार अंसारी, जिसके लिए फैसले की घड़ी कर सकते हैं, करीब आ चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल फैसला आएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट
क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को मौत की सजा भी हो सके, क्योंकि काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है और फैसले की घड़ी अब आ गई है। बड़ी खबर जो इससे जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बता दें, मुख्तार पर फैसले से पहले वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर और एडीजी जोन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी का आदेश जो है वो दिया गया है। अवधेश राय हत्याकांड में कल फैसला आना है, जिसके बाद वाराणसी कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर और एडीजी जोन जो है उन्होंने मुस्तैदी के आदेश दे दिए और खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो मुख्तार पर फैसला आना है और काशी ऑन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि 24 घंटे से कम का वक्त जो है बचा है। एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी की जो है फैसला सुनाएगी मुख्तार अंसारी को लेकर, और इसको देखते हुए वाराणसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाई अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन की टीम इस वक्त काशी में मौजूद है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि देखें मुस्तैदी रखें, किसी भी तरह अगर किसी पर संदेह हो उसे तुरंत हिरासत में ले पूछताछ करें। LIU और SIO स्पेशल ब्रांच को एक्टिव कर दिया गया है, एक्टिव मोड पर है। कहीं किसी तरह की कोई गफलत नजर आए या कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तुरंत उसको हिरासत में लिया जाए, पूछताछ हो, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। मुख्तार अंसारी पर कोई भी फैसला आने के बाद वाराणसी में कानून व्यवस्था जो है वो खराब ना हो। मुख्तार के करीबियों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, इस पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों को बुलाया भी गया है, बातचीत भी की गई है और समझाया गया है। लखनऊ इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही है, यानी लखनऊ की नजर भी इस वक्त काशी पर टिकी हुई है। फैसले के 48 घंटे पहले से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। टीम अलर्ट मोड पर है, मिश्रित आबादी क्षेत्र में पुलिस अलर्ट पर है। देखिए जहां कह सकते हैं मिक्स्ड पॉपुलेशन है वहां कुछ भी हो सकता है। फैसला मुख्तार अंसारी को लेकर कोर्ट जो भी सुनाए उसके बाद कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े ना, उसको लेकर खास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। तो किस तरीके से देखिए पुलिस की टीम, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मिश्रित आबादी वाले इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर पुलिस टीम अलर्ट पे है। अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का द एंड आखिरकार कैसे होगा, और 1991 वाले हत्याकांड में अवधेश राय हत्याकांड मामले में कल जब फैसला आना है, 1991 अवधेश राय हत्याकांड एमपी एमएलए कोर्ट में मामला है, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट बता दे जहां मामला जो है चल रहा है, और कल फैसले की घड़ी है, यानी 5 जून जो है मुख्तार अंसारी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। आज की रात तो मुख्तार अंसारी को नींद नहीं आएगी, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। 1997 नंद किशोर रुंगटा केस मुख्तार केस से उस वक्त बरी हो गया था। इसके खिलाफ जितने गवाही जो लोग देने जाते थे ना उसको भी धमकाया जाता था। वजह यही है कि कई केसों से ये इसलिए बरी हो जाता है, लेकिन अब फाइल रुंगटा केस में भी देखिए दोबारा खुलनी है, क्योंकि क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, याद होगा आपको, मिट्टी में मिला देंगे, यही वजह है कि दोबारा से फाइल खुलनी है। 2009 ठेकेदार मन्ना सिंह केस मुख्तार यहां भी जो है बच गया था। जाहिर सी बात है गवाही देने के लिए आप पहुंचिए कोर्ट, आपको धमकी पहले मिल जाएगी, गवाही आप दे नहीं पाएंगे। तो ठेकेदार मन्ना सिंह केस में अब ये फाइल फिर से खुलेगी। ये दो केस बता रहे हैं हम आपको जहां फाइल दोबारा खुलनी है, यानी कल जो फैसला आएगा आएगा ये दो केस जिसमें अभी दोबारा फाइल खुलेगी, यानी मुख्तार के जो कह सकते हैं मुश्किल और भी बढ़ने वाली है। आशुतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, 1991 अवधेश राय हत्याकांड कल कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन आने वाले दिन भी जो है वो मुख्तार अंसारी के लिए भारी पड़ने वाले हैं। 1997 नंद किशोर रुंगटा केस की बात करें जिसकी फाइल दोबारा खुलने की बात हो रही है, 2009 ठेकेदार मन्ना सिंह केस की बात करें इसकी भी फाइल दोबारा खुलने की बात हो रही है, मुख्तार चारों तरफ से अब घिर चुका है। बिल्कुल, देखिए योगी राज में मुख्तार अंसारी अब चौतरफा घिर चुका है। अभी तक जितने मामले थे, मसलन मन्ना सिंह हत्याकांड हो या फिर नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड हो या फिर कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, ये तीन हाई प्रोफाइल केस थे, और इन तीनों हाई प्रोफाइल केस ने मुख्तार अंसारी ने अपने रुतबे का सहारा लेकर एक तरीके से वो बरी हो गया था। उसने गवाहों को धमकी दी जो उसके खिलाफ जो और जो पीड़ित पक्ष थे उन्होंने जब कोर्ट में जब बयान देने की बात आई तो वो मुकर गए, लेकिन अब इस मामले में यानी अवधेश राय हत्याकांड में कानून
कानून ने जिस तरीके से योगी सरकार ने गवाहों को एक सुरक्षा दी, उसका जो भाव है वो उनके अंदर जागृत हुआ और अब जो गवाही है पुरजोर तरीके से हुई और शायद इसी का नतीजा है कि कल का जो दिन होगा वो ऐतिहासिक होगा, खासतौर से मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कहा यह जा रहा है कि उसकी सजा होनी लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से जो 6 गवाह है उन्होंने गवाही दी है और इसके साथ ही खुद जो अवधेश राय के छोटे भाई अजय राय है उन्होंने भी पुरजोर तरीके से गवाही दी है, लिहाजा अब मुख्तार अंसारी का बच पाना बेहद मुश्किल है। और यही कारण है कि अब चूंकि सजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा वाराणसी की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि वाराणसी में लंबे समय से मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो वाराणसी के चप्पे पर मौजूद रहते हैं, उनकी जो एक तरीके से वो रहते भी हैं, लिहाजा ऐसे में कोई कानून व्यवस्था का माहौल न बिगड़े, लिहाजा जो पुलिस के जो जवान है उनको अलर्ट कर दिया गया है, LIU को अलर्ट कर दिया गया है, STF SOG के जो जवान हैं वो लगातार इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और खुद जो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के DGP हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना संवेदनशील है और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आशुतोष आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं, अवधेश राय आखिर मुख्तार अंसारी के निशाने पर कैसे आए। आशुतोष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ वाराणसी के चंदासी इलाके की पहचान कोयले के एक बड़े मंडी के तौर पे थी। पूर्वांचल समेत आधा उत्तर प्रदेश में कोयले की सप्लाई चंदासी मंडी से ही होती थी। हर रोज यहाँ पर लाखों रुपए का कारोबार हुआ करता था। शायद यही कारण है कि 90 के दशक आते आते पूर्वांचल के माफियाओं की नजर इस चंदासी मंडी पर लग गई। कोयले के जरिए काली कमाई के लिए यहाँ के माफियाओं ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी और देखते ही देखते चंदासी मंडी माफियाओं के लिए बड़ा पावर सेंटर बन गया। अवधेश राय कोयला के बड़े कारोबारी थे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड में उनका कारोबार फैला हुआ था। कोयले के जरिए उन्होंने अकूत दौलत कमाई थी। पूर्वांचल के इस कोयला मंडी में उनका एक छत्र राज चलता था, लेकिन 90 के दशक आते आते वो पूर्वांचल के कई बड़े माफियाओं के निशाने पर आ गए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने भी जब चंदासी के इस कोयला मंडी में अपनी दखल बढ़ानी शुरू कर दी तो अवधेश राय से उसकी ठन गई और यही कारण है कि उसने अवधेश राय को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। अवधेश राय के मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी की जो बादशाहत थी वो इस कोयला मंडी में बढ़ गई और उसने 1997 में यहाँ के एक और बड़े कारोबारी नंद किशोर रुमटा का भी कुछ इसी तरीके से अपहरण करने के बाद मर्डर करवा दिया था और आज भी ये सिलसिला जारी है कि यहाँ के जो बड़े कारोबारी हैं वो मुख्तार अंसारी को रंगदारी देते हैं। तो हमारे सहयोगी आशुतोष की यह रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से कोयले के कारोबार को लेकर यह टेंशन जो है इतना बढ़ गया कि अवधेश राय की हत्या तक कर दी गई। कोयले के काले कारोबार पर मुख्तार ने किस तरह से अपना कब्जा जमाया, कैसे अपना रसूख जो है कायम किया, इस पर इलाके में किस तरीके से जो है लोगों के बीच बातचीत होती रही और अपना रसूख उसने वहां पर न सिर्फ कायम किया, लोगों में धौंस भी वो जमाता था, एक डर का माहौल उसने बना रखा था। इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। जो पूर्वांचल के बलिया वाले बाहुबली लोग थे वो लोग धनबाद की मंडी में अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुके थे, उनके रैक आते थे यहाँ पे चंदासी मंडी में, रैक लगते थे तो रैक को लेकर के उसका जो सिस्टम होता है उसकी लोडिंग अनलोडिंग से लेकर के और उसकी बिक्री तक का, इसमें वर्चस्व की लड़ाई पूर्वांचल के जो छोटे माफिया थे, मतलब उस समय तक तो ये लोगों का दायरा जो है वो ब्रजेश हो मुख्तार हो धनबाद तक नहीं फैला हुआ था, ये उनसे जुड़े माने जाते थे तो उनका काम देखना। इसी कड़ी में अवधेश राय भी जो थे उनके बारे में भी कहा जाता था कि मंडी में उनकी खासी हनक थी, मंडी से जो उगाही होती थी उसमें शेयर होता था और उस उगाही के क्रम को अपने हिस्से में करने के लिए मुख्तार ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो कई हत्याओं में मुख्तार अंसारी इन्वॉल्व था और बनारस तो हल्दी घाटी का मैदान था, जिस माफिया को लड़ना होता था वो बनारस चला आता था और आपस में गैंगवार बनारस में ही होती थी, चाहे वो गाजीपुर की लड़ाई हो या मऊ की लड़ाई हो, उसका फैसला जो है बनारस में ही होता था। बनारस का वही माफिया मुख्तार को लेकर प्रयागराज के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए किस तरीके का धौंस था उसका। मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन में जो भी कृत्य किए हैं और जिस तरीके के जघन्य अपराध किए हैं
उन अपराधों को देखते हुए हमें लगता है उनके लिए फांसी की सजा भी कमी। लोगों को ये लगना चाहिए कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, कानून जो है वो किसी को छोड़ता नहीं। मुख्तार अंसारी ने जो किया है वो सभी को दिख रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करी तो तस फल चाखा। तो मुख्तार अंसारी को फांसी ही होनी चाहिए। ऐसा दुर्ध्यान अपराधियों का तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे आने वाले जो दूसरे लोग हों उनको सबक मिले, तो फांसी ही उचित कार्रवाई होगी। गुनाह किया उसने, जमीनें अड़पी है और मर्डर किए हैं, कई केस ऐसे 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 कर चुके हैं, उनको तो ऐसा होना ही चाहिए, फांसी तो होनी ही चाहिए। वो एक आदमी को फांसी नहीं, इनका इनकाउंटर ही होना चाहिए कि मुख्तार जैसे अंसारी को, जैसे हमारी सरकार योगी सरकार कहती है माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, तो वो मिट्टी में मिला दे वो ठीक है। तो सुना आपने प्रयागराज के लोगों का क्या कुछ कहना है। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो मुख्तार अंसारी को। खौफ उन्होंने देखा है कि किस तरीके से अपराध करता था और किस तरीके से छूट भी जाता था। लेकिन ये पहली दफा है जब फैसला कल आना है और लोगों को उम्मीद है कि उसे फांसी की सजा होगी। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, वाराणसी की आप बात कर रहे थे, क्योंकि कल फैसले की घड़ी है, ऐसे में मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं उनकी लिस्ट भी बताया जा रहा है कि बनाई गई है, उन पर भी नजर रखी जा रही है, किसी तरह कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना हो इसलिए उन पर नजर रखी जा रही है। देखिए, सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी के साथ इस केस में जो पांच अन्य लोग हैं उनके भी जो समर्थक हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो अन्य जो पांच लोग हैं वो भी बेहद दुर्दांत है, चाहे वो राकेश न्यायिक हो, चाहे भीम सिंह हो, चाहे कमलेश हो, या फिर स्वर्गीय अब्दुल कलाम, जिनके बहुत सारे जो समर्थक हैं, चूंकि वो यहां से विधायक भी रह चुके हैं, लिहाजा उनके भी जो समर्थक हैं भारी संख्या में वाराणसी में मौजूद है। और खुद देखिए, मुख्तार अंसारी का सिर्फ यहां से आपराधिक इतिहास नहीं रहा, आपराधिक नाता नहीं रहा है, बल्कि मुख्तार अंसारी ने साल 2009 में यहां से बकायदे लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, और उस दौरान उसने बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता थे मुरली मनोहर जोशी को एक कड़ी टक्कर दी थी। इसके साथ ही जो उस वक्त अजय राय भी उसके खिलाफ मैदान में थे, लेकिन आप ये समझिए कि किस तरीके से उसने मुरली मनोहर को कड़ी टक्कर दी थी कि बमुश्किल से 8 से 10 हजार वोट से ही वो जो बीजेपी के जो नेता थे मुरली मनोहर जोशी वो जीत सके। तो आप ये समझिए कि सिर्फ गाजीपुर या मऊ ही नहीं बल्कि वाराणसी और आसपास के जिलों में भी मुरली मनोहर जोशी को जिस तरीके से कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी, ये उनका खौफ था। दरअसल इलाके के लोग उनके खिलाफ जा नहीं सकते थे। आज उसी पूर्वांचल में लोग कैसे ये बात कह रहे हैं कि इसे फांसी हो, तो यह मानते हैं कि लोग अब ये मान रहे हैं कि उनका खौफ था जिस वजह से ये इतनी अपराधों को अंजाम देता रहा। देखिए, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। देखिए, 2017 के पहले मुख्तार अंसारी की यहाँ पर हनक वैसे ही बरकरार थी जैसे 90 के दशक में थी, लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो जो पूरी फिजा है वो बदल जाती है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया राज के खिलाफ जो कदम उठाया है उसका जो असर है वो अब साफ तौर पर दिखने लगा है। दूसरे राज्यों में भी मांग उठने लगी है कि माफियाओं पर कार्रवाई जो वो योगी राज की तरह हो। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें आगे भी जा रही है। छोटे